फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे ओवैसी, गजा पर इजराइल के हमले को बताया इंटरनेशनल क्राइम। फिलिस्तीन के समर्थन में पुडुचेरी में निकाला गया मार्च, लोगों ने इजराइल के हमले का विरोध किया। पाकिस्तान में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली गई, कराची में इजराइल के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे। फिलिस्तीन के समर्थन में दिल्ली में प्रदर्शन, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से लेफ्ट से जुड़े संगठनों का हंगामा सामने आया। दिल्ली में प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स 2023 का आयोजन, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने और पद्मश्री दीपा मलिक ने सम्मान दिया। अपने क्षेत्र में अच्छा काम करने वालों को 150 से अधिक कैटेगरी में पुरस्कृत किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट में संजय सिंह की याचिका पर आज सुनवाई होगी। संजय सिंह ने ईडी के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया। नोएडा के चर्चित निठारी कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, दोनों आरोपियों की फांसी की सजा रद्द हुई। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग, मामले में आज सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी। समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला, 11 मई को सुनवाई पूरी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में आज एनसीपी के शरद पवार गुट की याचिका पर भी सुनवाई होगी। मुंबई में क्राइम ब्रांच ने बड़े ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया, 16 करोड़ की ड्रग बरामद की गई, दो आरोपी गिरफ्तार। यूपी के नोएडा में स्कूल कैंपस में 11वीं की छात्रा के साथ मारपीट, परिजनों की शिकायत पर एक्शन में आई पुलिस। यूपी के कानपुर में 10वीं के छात्र से टीचर की अश्लील चैटिंग, छात्र पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। गाजियाबाद में सौतेली माने की 12 साल के बेटे की हत्या, घर के सेफ्टी टैंक में मिला मासूम का शव। बिहार के हाजीपुर में बदमाशों ने पुलिस जवान की गोली मारकर हत्या कर दी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। तेलंगाना के करीमनगर में वाहन चेकिंग के दौरान एक वैन से मिले 2,36,00,000 रुपए, पुलिस ने आईटी विभाग को दी जानकारी। गुरुग्राम के मानेसर में साथी कर्मचारियों ने कंपनी के मैनेजर की हत्या की, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के बक्सर में डुमराव रेलवे स्टेशन के पास हादसा, पटरी से उतरी बालगाड़ी, 2 बोगियां पटरी से उतरी। महाराष्ट्र के पुणे में भीषण सड़क हादसा, पुणे बेंगलुरु हाईवे पर ट्रक में लगी आग, हादसे में 4 लोगों की मौत। फाल्गुनी पाठक और किंजल दवे के शो के नाम पर ठगी, पास दिलवाने के नाम पर सैकड़ों लोगों से लाखों की ठगी, एफआईआर दर्ज। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मौसम बदला, पहाड़ियों पर बर्फ गिरी, करीब 3 इंच तक बर्फ गिरी। जम्मू कश्मीर में मुगल रोड पर भारी बर्फबारी, शोपियां के पुंछ को जोड़ने वाली सड़क बर्फबारी के कारण बाधित। बद्रीनाथ धाम में बदल गया मौसम, बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे तीर्थयात्री, श्रद्धालुओं के चेहरे खिले। केदारनाथ धाम में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बर्फबारी जारी, बर्फबारी के बाद केदारनाथ धाम में तापमान गिरा। उधर हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ गिरी। विश्व कप में आज नीदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका के बीच भिड़ंत, धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।